और फोर आर्म्स को ये खेल बहुत पसंद है। हे, मेरी वॉच कहाँ है? पेन के लिए वो दिन वाकई जेलोसी भरा होगा जिस दिन ओमनीट्रिक्स उसके बजाय क्वीन की कलाई पे होगी। क्विंटन एपिसोड एक्चुअली में क्या है ये कंफ्यूजन कभी दूर नहीं होगा, क्योंकि कईयों को लगता है ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स या एक अल्टरनेट टाइमलाइन है, और कुछ लोगों को लगता है इसमें पेन टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गया है, क्योंकि पेन को आगे होने वाले सभी सिचुएशन के बारे में पता था और ग्रैंडपा और क्वीन को नहीं। पर मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ देखने का एक नजरिया है। यहाँ हम बेन टेनिसन की कहानी एक अलग तरह से बताएंगे। समर वेकेशन के स्टार्टिंग में बेन कुछ चोरों को नोटिस कर लेता है। वो उनके आगे साहस के साथ खड़ा रहता है। बेन के ऐसे साहस भरे अंदाज को देखकर ग्रैंडपा और क्वीन हैरान थे। जब बेन उन चोरों को रोकने के लिए फोर आर्म्स में ट्रांसफर होने का कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि ओमनीट्रिक्स उसकी कलाई पे नहीं है। ये देखकर बेन हैरान था। ग्रैंडपा सिचुएशन को संभाल लेते हैं। रस बकेट में आकर बेन पागलों की तरह ओमनीट्रिक्स को ढूंढने लगता है। वो हैरान था कि ग्रैंडपा मैक्स और क्वीन को ओमनीट्रिक्स के बारे में याद नहीं था। बेन के कहने पर भी वो दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। जब बेन भिलगस का जिक्र करता है, ग्रैंडपा की बैलेंस बिगड़ जाती है। दूसरी ओर अंतरिक्ष में वो घटना हो रहा है जिसे होना ही था। भिलगस अपने शिप के साथ उस शिप का पीछा कर रहा है जिसमें ओमनीट्रिक्स है। ओमनीट्रिक्स जिस शिप में था वो शिप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया, पर भिलगस को कुछ नहीं हुआ, जबकि मेन टाइमलाइन के इवेंट में भिलगस पूरा घायल हो गया था। समर वैकेशन के उस जगह में पहुंचने के बाद बेन को लगता है कि वो वक्त में पीछे आ गया है, अब उसे यहाँ ओमनीट्रिक्स मिलेगा। अचानक आसमान से कुछ नीचे गिरता है। बेन समझ जाता है कि ये ओमनीट्रिक्स है, लेकिन जब वो उस जगह पे पहुंचता है तब वो देखता है कि ओमनीट्रिक्स क्वीन के साथ अटैच हो चुका है। बेन ये देखकर परेशान हो जाता है। वो नोटिस करता है कि क्वीन ओमनीट्रिक्स को उसके मुकाबले ज्यादा अच्छे से यूज कर लेती है, इसलिए बेन जेलस फील करता है। क्वीन भिलगस के ड्रोन्स को भी कम से कम इफर्ट में डिफीट कर देती है। बॉल खेलते वक्त क्वीन के टैलेंट को देखकर बेन कहता है, पता नहीं ज्यादा बुरा क्या है, ये कि ये वॉच मुझे अब कभी नहीं मिलेगी, या फिर ये कि तुम इसे मुझसे ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर लेती हो। क्वीन बेन की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। तभी भिलगस वहाँ पहुँच जाता है और ओमनीट्रिक्स को मांगता है, पर ओमनीट्रिक्स क्वीन के साथ अटैच था, इसलिए वो क्वीन को अपने साथ ले जाता है। बेन ग्रैंडपा से कहता है, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तभी ग्रैंडपा कहते हैं भिलगस यहाँ आया है और उसे ओमनीट्रिक्स चाहिए। बेन हैरान होकर पूछता है, पर आपको कैसे पता चला? ग्रैंडपा कहते हैं, मैं पहले तुम्हारे बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, फिर मुझे लगा कि तुम्हें तो काफी कुछ पता है, पर मैंने प्लम्बर बन के एक बात जाना है कि आपने जो सब सीखा है वो सब भूल जाओ, क्योंकि कभी कभी वो सब बेमतलब लगेगा। ये सुनकर बेन कहता है, आप ऐसा जवाब देंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भिलगस ओमनीट्रिक्स को पाने के लिए क्वीन के हाथ को काटने की तैयारी करता है। ग्रैंडपा बेन से पूछते हैं, पिछली बार हमने क्या किया था? बेन से जानने के बाद ग्रैंडपा ठीक उसी तरीके से स्पेसशिप के अंदर आते हैं रॉस बकेट के साथ। वो भिलगस के ऊपर हमला करते हैं। बेन क्वीन को आजाद कर देता है और भिलगस पर हमला करता है। इसके बाद क्वीन के हाथ से ओमनीट्रिक्स रिमूव हो जाती है और ग्रैंडपा के कलाई पर बन जाती है। बेन दुखी हो जाता है कि अब वो हीरो नहीं बन पाएगा, भिलगस का शिप डिस्ट्रॉय होने वाला था। बेन के कहने पर ग्रैंडपा अपग्रेड बनकर रस बकेट के साथ मर्ज हो जाते हैं। रस बकेट भिलगस को टक्कर मारकर बाहर आ जाता है। इस टाइम बेन फिर से भिलगस के ऊपर हमला करता है। आखिर में भिलगस का स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसके बाद बेन को ओमनीट्रिक्स मिला या नहीं वो हमें पता नहीं है। क्वेंटिन पूरे बेन 10 फ्रेंचाइजी का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट था। आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा था नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे तो सच में बहुत मजा आया। कितने तरीके हैं ये कहानी सुनाने के, और इसी वजह से वो इतनी दिलचस्प बनती हैं। कभी कभी आपको खुद पता नहीं उनका अंजाम क्या होगा।